पंजाब नेशनल बैंक पे आपका सेविंग अकाउंट है और आप लोग को डेबिट कार्ड नहीं मिला है, तो विदाउट डेबिट कार्ड से आप लोग यूपीआई पिन कैसे बना सकते हो, इस वीडियो में आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करके, ओके। दोस्तों, एम हिंदी टेक चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग भीम यूपीआई ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में ऐप्स को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में आप लोगों को फिर बैंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को नीचे दिख जाएगा प्लस का आइकॉन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर आप लोगों को बैंक सर्च करना होगा, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद में नीचे शो हो जाएगा, आप लोगों को क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप लोगों को क्लिक करना होगा, ठीक है। तो फिर बैंक पे क्लिक करने के बाद में एस पे क्लिक करना है। एस पे क्लिक करने के बाद में आपका बैंक सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों को एम पिन बनाना होगा, ठीक है। फिर आप लोगों को बैंक अकाउंट दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेटअप पिन पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। आप लोगों को डेबिट कार्ड नहीं मिला है तो आप लोगों को आधार नंबर पे क्लिक करना है। आधार नंबर को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे दिख जाएगा प्रोसीड, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में एक्सेप्ट पे आप लोगों को क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद में आधार कार्ड लिंक नहीं है इस अकाउंट के साथ, तो आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड लिंक कैसे करता है यह वाला वीडियो आप लोग जाके चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाया कैसे घर बैठे ऑनलाइन पंजाब नेशनल बैंक पे आधार कार्ड लिंक करते हैं। यह वाला वीडियो आप लोग जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, ओके। आपका अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक होगा तो फिर ओटीपी जाएगा, ठीक है। ओटीपी को फिल करना होगा। फिल करने के बाद में आप लोगों का मनपसंद का एम पिन डालना होगा। दो बार एम पिन डालने के बाद में आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका एम पिन बन जाएगा विदाउट डेबिट कार्ड से, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है, ठीक है। तो लिंक बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ओके। तो दोस्तों, आप लोग आधार कार्ड लिंक कर लीजिएगा, फिर आप लोग विदाउट डेबिट कार्ड एम पिन बना सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में जो भी पॉसिबल हुआ आप लोगों को मैं दिखाया और बताया, ठीक है। तो आप लोग अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक कर लीजिएगा, 1 से 2 मिनट का ही काम है। लिंक करने के बाद में आप लोग विदाउट डेबिट कार्ड यूपीआई पिन बना सकते हो आधार कार्ड की मदद से, ठीक है। तो पहले आधार कार्ड लिंक होना पड़ेगा, फिर आप लोग एम पिन बना सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।